हेलो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। तो मैं उठ चुका हूँ, तो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। तो जो मैं अभी तक सोया हुआ है, तो अभी बस नाश्ता वगैरह भी बन रहा है। तो आज जो है स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा, माशाल्लाह, वाह जी वाह। पर स्कूल जाने क्योंकि आज जो है टेस्ट है, तो इसलिए स्कूल जाना पड़ेगा। तो अभी बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता वगैरह बन चुका है, तो फिर बस नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद ओके गाइस, मैंने अपने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अभी मैं बाहर आया हूँ मौसम वगैरह चेक करने, तो आप भी चेक करो। आज का मौसम तो भाई साहब खतरनाक हुआ है। फुल दिन मैच के दौरान जो बादल थे कोलंबो में, वो भी आ गए कराची में। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है, पर यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। पता नहीं बारिश का क्या सीन है, पर मौसम बहुत अच्छा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो जब माया जो अभी तक सोया हुआ है, तो बस मैं अभी अंदर जाने लगा। अंदर चलते हैं और रेडी होते हैं और फिर रेडी होके मिलते हैं। 15 minutes later. Okay guys, अभी मैं स्कूल से रेडी हो चुका हूँ। तो मैं कहने लगा स्कूल, तो जब माया अभी तक सोया हुआ है, तो मैं स्कूल जाने लगा। तो आगे से अभी जब माया ब्लॉग कंटिन्यू करेगा, तो मैं मिलता स्कूल के आने के बाद। A few moments later. Good morning guys, welcome back to my new vlog. तो guys, हम लोग उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, तो नितिन स्कूल चले गया। तो guys, हम लोग, मैं और जर्माया भी रेडी हैं, तो अभी हमें स्कूल जाने लगे हैं। तो guys, स्कूल से आके मिलते हैं। 20 minutes later. Guys, जर्माया को छोड़ के आ गए हैं स्कूल। तो अभी है नाश्ते का टाइम। तो guys, आज वेदर देखते हैं, मौसम ठंडा हुआ हुआ है, क्लाउडी वेदर है, तो देखते हैं। एक्सपेक्टेड तो है बारिश, मौसम अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि दोपहर को कड़क गर्मी हो जाती है, तो देखते हैं आज क्या होता है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नाश्ते को। ओके गाइस, नाश्ता आ गया है। आलू टिंडे का सालन है, हाफ फ्राई है, पराठे हैं, अम्मी के लिए सूखी रोटी है, और है साथ में चाय और पानी। तो गाइस, नाश्ता करके मिलते हैं। 2 hours later. Okay guys, 12 बजने वाले हैं, कुछ टाइम रह गया, तो अभी हो गया जरवाया का टाइम, तो अभी चलते हैं जरवाया को लेने के लिए। तो गाइस, मौसम आज अच्छा है, अभी तक धूप नहीं निकली, तो उम्मीद करते हैं कि मौसम अच्छा ही रहेगा। तो गर्मी बहुत होती है, तो लोग बीमार भी होते हैं। तो ओके गाइस, फिर चलते हैं स्कूल, फिर स्कूल से आगे मिलते हैं। आप बताओ क्या लेना है, बताओ। डोनट्स लेने हैं? नहीं, आप मुझे डोनट सिर्फ लेंगे गाइस, कब कभी भी खाता है नहीं। लेकिन गाइस, रूटीन के मुताबिक हम आए थे कबाब जी, तो ये देखे बांटते हुए इसको, तो डोनट ले लिए हैं साथ में साथ में खाने के लिए। तो गाइस, वेदर आज बहुत अच्छा चेक कर रहा है, क्लाउडी वेदर है और धूप भी निकली, तो बस चीज़ें से ले ली है, अभी चलते हैं घर पे। हाँ, घर चलो, बोलो बताओ, घर चलो। ऐसे ओके गाइस, तो मिलते हैं घर पे। तो गाइस, स्कूल से कबाब जी से हो गए, आ चुके हैं घर पे। और ये देखें गाइस, इनका आप देखें, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं कबाब जी, इसकी थली पकड़े। तो गाइस आ गए हैं घर पे, तो चेंज वेंज करके मिलते हैं। गाइस प्यार, चिक चिक से प्यार देखें। हाँ, ये आपके क्या बेटे, खाना वाना खिलाया इसको हमने, सही है। आगे भी छोड़ दे, ओके गाइस, फिर मिलते हैं। हाँ, 15 minutes later. तो गाइस, मीटिंग का टाइम हो गया, अब उसकी ड्यूटी सर्विस का लेने जा रहा हूँ। तो गाइस, फिर मिलते हैं उसको बुला के, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से फिर आते हैं। मौसम बहुत अच्छा है अभी भी, शुक्र है। गर्मी में जाना बड़ा मुश्किल लगता है, बस क्या करें, फिर जाना पड़ता है। शुक्र आज तो वेदर अच्छा है, गर्मी नहीं है, धूप नहीं निकली। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. कहाँ लेके जा रहे हो इसको? है
भाई जरमाया जो है ना बाइक पे लेके जा रहा है अपने चिक्स को, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो उड़ जाएगा, इसको बोले पकड़ के बैठे ना। हैंडल नहीं है, ये नॉर्मल बाइक नहीं है। One hour later. Okay guys, मैं स्कूल से आ चुका था, तो स्कूल से आकर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके फौरन मैं सो गया था, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, तो मैं सो गया था। तो फिर मैं उठकर फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, तो अब जो जरमाया सो चुका है, तो अभी मैं नीचे से लेकर आया फ्रेंच फ्राइज, तो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और फिर होमवर्क वगैरह भी अच्छा होता है तो वो भी करना है, तो बस फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और फ्राइज खाने के बाद में। Two hours later. Okay guys, फ्राइज वगैरह मैंने खा लिए थे और उसके बाद फिर मैं होमवर्क करने बैठ गया था, तो होमवर्क वगैरह भी हो चुके हैं और वहाँ दो भी लिए, और अभी बाहर जाने को सामान वगैरह लेते हैं खाने के लिए, अभी बाहर चलते हैं और फिर सामान लेकर घर पर आते हैं। तो गाइज आज बना है प्लान कुछ चिकन का, कोई बिरयानी बिरयानी खाने का, तो हम आए हैं चिकन लेने के लिए। मेरे को पसंद है लेग, तो मैं लेग के पीसेस करवा रहा हूँ, चेक करें आप। हमने कहा कि हफ्ते तक साथ ही लेने, तो 3-4 किलो। 15 minutes later. इस चीज़ें से ले आए बिरयानी की सारी, तो आज था प्लान बिरयानी खाने का, बाहर की बिरयानी खा खा के तंग आ गए हैं, तो आज घर पे बनाते हैं। बाहर की भी अच्छी होती है, लेकिन घर की तो घर तो फिर घर है ना, तो देखते हैं कितनी देर में बिरयानी बनती है। भूख तो लगना शुरू हो गई है, खाना बनने में भी टाइम था, तो हम लोग आए अभी बाहर खेलने के लिए। फिर अरमाया का साइज, फिर माया का साइज स्कूटी है, शार्ट है। आज फिर किसी ने कपड़े धोए हैं और हमारा कॉरिडोर बॉडी गार्ड बना हुआ है, तो गाइस थोड़ा खेलते हैं जब तक खाना बन रहा है, फिर तो मैंने स्टडी भी करनी है, तो फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। जी 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 बिल्कुल ले आएंगे। तो गाइस नहीं, फरमाइश आ गई है कि बिरयानी अगर बन रही है तो साथ कोल्ड ड्रिंक भी आना चाहिए, अगर कोल्ड ड्रिंक ना लाए तो। जी गाइस फिर कोल्ड ड्रिंक अब लानी पड़ेगी, जब मैंने बोल दिया तो। हमारे लिए तो बिरयानी बन रही है और जरमाया ने अभी शाम खाने फ्राइज, तो हमने कहा आज जर्सी में गोवा बाहर वाले नहीं, तो उसके लिए हो रहे फ्राइज रेडी। और गाइस मैथन एडिट कर रहा है व्लॉग, और जरमाया टैब के साथ गेम शेम खेल रहे हैं और कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं। और भी गाइस भी मिलते हैं थोड़ी देर। फाइनली गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है, अब बहुत दिनों से बाहर की खा रहे थे, आज घर की खाएंगे। घर की तो फिर बात ही अलग है ना। बात तो सही है। तो भाई बिरयानी हो गया रेडी, मलाई हो गया शुरू, खाना खा रहे। खाना खा के मिलते हैं, मलाई जो है ना खतरनाक वाली शुरू हो गई है, बड़ी जबरदस्त बिरयानी बनी हुई है। गाइस खाना खा के मिलते हैं फिर। गाइस खाना खाना खा लिया हमने और बच्चे गए हैं सो, तो मैं भी सोने लगा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि फिर सुबह उठना है। तो गाइस आज का दिन बड़ा बिजी रहा, बिरयानी ने आज होममेड खाई क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बाहर जा रहे थे। तो गाइस मैं इसी उम्मीद से ब्लॉग एंड करने लगा कि मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा आपका, तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में सजेशन करें कि हम नेक्स्ट क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।